OnePlus 30 दिसंबर में लॉन्च होने वाला बेहतरीन फ़ोन है। आज की वीडियो में बात करेंगे इसके प्रोस के बारे में एंड कॉन्स की बात करेंगे, तीन प्रॉब्लम्स के बारे में। आपको हाई परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, हाई क्वालिटी डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड इसका जो कैमरा का जो एंगल काफ़ी बेहतरीन है, परफेक्ट स्क्रीन साइज है, हाई रिफ्रेश रेट है एंड हाई ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगा एंड इसका आपको जो स्टोरेज है वो देखने को मिलेगा, मल्टीपल कैमराज आपको देखने को मिलेंगे एंड जो इसका ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन है वो बेहतरीन है एंड 5G कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा एंड ह्यूज बैटरी आपको देखने को मिलेगा, लाइटनिंग फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, डुअल सिम सपोर्ट एंड डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ, वायरलेस चार्जिंग, ऑप्टिकल जूम आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब सारे मैंने अच्छाई के बारे में बात कर ली। अब चलो बात करते हैं इसे कुछ कमियों के बारे में। चलो बात करते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला जो कमी आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी वो फिक्स रहेगा, मतलब इसमें कोई आप एक्सटर्नली इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड बात करते हैं नंबर सेकंड प्रॉब्लम, वो ये है कि इसमें आपको FM रेडियो का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आप FM नहीं सुन सकते हो। एंड वही बात करते हैं नंबर थर्ड जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, बेसिकली ये सब प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली इसमें कुछ ड्रॉबैक आप बोल सकते हो। एंड दो थर्ड प्रॉब्लम ये है कि इसमें हेडफोन पोर्ट, मतलब कि जो ईयरफोन जो पोर्ट होता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब आपको वायरलेसली गाना वगैरह मीडिया प्लेयर आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये सब आपको कमियाँ देखने को मिलेगी एंड मैंने बात कर लिया था, अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है, हाई परफॉर्मेंस आपको देगा, ठीक है, मतलब बेहतरीन फ़ोन है आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं एंड बात करते हैं और भी स्मार्टफोन के बारे में।